اخوانه سپیکر اسد قیصر میډیا سره خبرو کوي لري چې دوی باندې پیټي په جیل کې نور نشي پاتې کولای د کم چې دو بنیادي وځي دي هغه ویل چې باندې پیټي باندې jail کیسونه جوړ کړی شي وی دي کوم چې هیڅ قسمه بنیاد نشته هغه ویل چې اسلام آباد های کورټ چیف جسټس باندې زموږ اعتماد نشته نور جذانو بهادرې مظاهره کړه دا هغه زیات کړه چې باندې پیټي ماتا کوما ز مواری راکړه وا هغه یې پور کړه یي خان کو जेल में नहीं रख सकेंगे उसकी दो बुनियादी वजह है एक तो ये एक जो केसेस बनाए हैं वो उसके अंदर जो है ना कोई उसकी बुनियाद नहीं है ये जो है ना सस्टेन नहीं हो सकते ये जो है ना आगे यानी इन्होंने एक रखा है ना आपको पता है इस्लामाबाद में भी जो आ, चिप है ना हमें चीफ जस्टिस के ऊपर काफ़ी कंसर्न है इस्लामाबाद के ऊपर लेकिन फिर भी जो हमारे छी जजों ने जो बहादुरी की है और जिस तरह तो हमें अधिया सी उम्मीद है के कम अज कम जो है ना इनके अंदर एक जज्बा उठ गया है और मुझे उम्मीद है कि हम जो है ना बहुत जल्द रहा होंगे क्योंकि कैसे इसके अंदर कोई बुनियाद नहीं है वो बहुत वीक फुटिंग पे है तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह देखिए फ्रंट मुझे समझ नहीं आ रही फ्रंट लाइन से आपका क्या मतलब है कौन सा धरना हुआ ऐसा हम तो हर धरने में थे किसी धरने में नहीं है देखिए इलेक्शन लड़ा इलेक्शन लड़ा इलेक्शन तो अभी अभी ख़त्म हो गया इलेक्शन के बाद जो रोजा है ना रोज़ा है हम जितनी भी इवेंट है अदालत में तो जा रहे हैं और मुझे खान साहब ने ज़िम्मेदारी एक मिनट मुझे खान साहब ने जिम्मेदारी दी थी कि आप अलायंस बनाएं मुझे जो रिस्पांसिबिलिटी दी थी वो मैंने कर दी है शुक्र अलहमदिल्ला और एक अलायंस बनाया और इसको मैं मज़ीद जो है ना फैलाऊंगा जो मौलाना साहब की आपने बात की है मौलाना पंदर की इसके बारे में मुझे खान साहब ने खुद कहा था कि आप मौलाना पंद्रहान को मिले और चूंकि हमारा वन पॉइंट एजेंडा है जो कि जो इलेक्शन हुआ है जो रेगिंग हुआ है उसके ऊपर हमारा वन पॉइंट एजेंडा है इसके ऊपर जो पार्टियाँ जो एहतजाज करती है हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं